यूपी में फिर दिखा पंचायत चुनाव वाला मंजर। अब MLC चुनाव में जमकर हो रही गुंडागर्दी। योगी राज में कानून का डर हुआ खत्म। ये तस्वीरें देखकर आपको पिछले साल यूपी में हुए जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए बवाल की याद आ गई होगी। ये तस्वीरें उसी गुंडागर्दी को दोहरा रही हैं, जैसी गुंडागर्दी पंचायत चुनाव के दौरान देखने को मिली थी। ये तस्वीरें यूपी के फर्रुखाबाद और एटा जिले से आई हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी और BJP समर्थकों में जमकर भिड़ंत हुई। MLC चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करने जा रहे सपा नेताओं के हाथ से नामांकन पत्र तक छीन लिया गया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि फर्रुखाबाद में नामांकन करने पहुँचे सपा प्रत्याशी हरीश कुमार से भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। तस्वीरों में यूपी पुलिस की मौजूदगी में झड़प को देखा जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने इस बारे में फेसबुक पर लिखा, MLC चुनाव में हार के डर से भाजपा के गुंडे पुलिस और प्रशासन के संरक्षण में सपा प्रत्याशियों का दमन कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में नामांकन करने पहुंचे सपा प्रत्याशी हरीश कुमार से भाजू यूमो के कार्यकर्ता ने मारपीट की। संज्ञान ले, चुनाव आयोग करे कठोरतम कार्रवाई। यूपी के एटा से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यहाँ भी भाजपा और सपा समर्थकों ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए। सपा ने आरोप लगाया कि BJP वाले सपा के MLC प्रत्याशी उदयवीर सिंह के हाथों से नामांकन पत्र छीनकर भाग गए। सपा ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए फेसबुक पर लिखा, लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी भाजपा। एटा में समाजवादी पार्टी के MLC उम्मीदवार उदयवीर सिंह के हाथों से नामांकन छीनकर भागे सत्ता संरक्षित लोग। संज्ञान ले, चुनाव आयोग नामांकन के लिए की जाए व्यवस्था। MLC चुनाव प्रक्रिया के तहत आज नामांकन का आखिरी दिन है। मथुरा, कासगंज, मैनपुरी और एटा के स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र के MLC चुनाव के लिए 15 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस सीट पर 2 सदस्य चुने जाते हैं। 15 और 16 मार्च को किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र भरकर जमा नहीं किया, जबकि 17 से 19 तक होली और 20 को रविवार का अवकाश रहा था। इसे देखते हुए नामांकन की तिथि 21 मार्च तक बढ़ाई गई थी, लेकिन आज नामांकन के दौरान इस तरह की तस्वीरें सामने आई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूपी में योगी की सत्ता वापसी के बाद BJP समर्थकों के दिल से कानून का डर खत्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज वीक। Thank you.